Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. यूक्रेन में लड़ने वाला कनेडियन रजाकार मिसाइल हमले में बाल बाल बच गया। नौजवान को वापस कनाडा भेजने की कोशिशें जारी। मिसाइल हमलों में 35 अफराद हलाक हुए थे। कनाडा के अपोजिशन जमात के लिए क्यादत की दौड़, मुखालफीन की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। पैट्रिक ब्राउन का कहना है कि पेयर पॉलिवर ने इम्तियाजी पॉलिसियों की हिमायत की। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में ओमिक्रॉन में एक बार फिर इजाफा हो सकता है। माहिरीन सेहत का कहना है कि सूबे में ओमिक्रॉन की सूरत हाल वाजे नहीं है। माहिरीन ने मास्क की पाबंदी ख़त्म करने की हुकूमती फैसले पर भी सवाल उठा दिए। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए पैकेज की मंजूरी दे दी। पाबंदियों से आम शहरी भी मुतासर होंगे। अमरीका का कहना है कि चीन रूस की मदद ना करे, चीन के हमले का खतरा। ताइवान की रिजर्व मिलिट्री फोर्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। भारतीय मिसाइल सिस्टम महफूज और काबिल भरोसा है, भारतीय वज़ीर दिफा का दावा। अमेरिका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर जवाब देने से इनकार। चीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात और मिसाइल गिरने की तहकीकात करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की? तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate. यूक्रेन की मगरबी सरहद के करीब एक फौजी अड्डे पर रूसी मिसाइलों के हमले से कैनेडियन रजाकार जख्मी हो गया था। तंजीम के सरबराह का कहना है कि अब रजाकार जंगजू को घर वापस जाने में मदद फराहम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की मगरबी सरहद के करीब एक फौजी अड्डे पर रूसी मिसाइलों के हमले से एक कैनेडियन रजाकार जख्मी हो गया था। तंजीम के सरबराह का कहना है कि अब रजाकार जंगजू को घर वापस जाने में मदद फराहम कर रहे हैं। फाइट फॉर यूक्रेन नामी तंजीम की जानिब से कहा गया है कि नौजवान जिसे लोहे और शीशे के टुकड़े लगे थे, उसकी क़ुव्वत समात मुतासिर हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक करिश्मा था कि मरने वालों और जख्मियों में कोई कैनेडियन नहीं था। अभी हम सिर्फ एक के बारे में जानते हैं। ये शख्स यूक्रेन पोलैंड की सरहद से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर यूक्रेन के शहर लॉयव के करीब था जब रूसी मिसाइल इतवार को फौजी तरबियती अड्डे पर गिरे। लॉयव के गवर्नर मैक्सिकम कोजेस्की ने कहा कि 30 से ज्यादा रूसी क्रूज मिसाइलों ने फैली हुई तनसीब को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर रूसी मिसाइलों को फिजाई दिफाई निज़ाम के काम करने की वजह से मार गिराया गया, लेकिन इन मिसाइलों से कम अज़ कम 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए। आलमी उमूर की कैनेडा की तर्जुमान सेबरीना विलियम्स ने एक बयान में कहा कि महकमे को इस बात का इल्म है कि यूक्रेन में हफ्ते के आखिर में होने वाले मिसाइल हमलों में एक कैनेडियन जख्मी हुआ था। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव की क्यादत की दौड़ में गर्मा गर्मी के साथ ही हिजाब ब्राउन पॉलीवर के दरमियान मौजू बहस बन गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की अपोजिशन जमात कंजर्वेटिव की क्यादत की दौड़ में गर्मा गर्मी के साथ ही हिजाब ब्राउन पॉलीवर के दरमियान मौजू बहस बन गया। पैट्रिक ब्राउन का कहना है कि उनकी कदामत पसंद क्यादत के मुखालिफ उम्मीदवार ने इम्तियाजी पॉलिसियों की हिमायत की है। कदामत पसंद क्यादत के उम्मीदवार पैट्रिक ब्राउन ने अपने मुखालिफ पियर पॉलीवर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कंजर्वेटिव MP पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तारिकीन वतन को निशाना बनाने वाली इम्तियाजी पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। पॉलीवर ने नई पॉलिसियां तैयार की जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हुनरमंद तारिकीन वतन के लिए कैनेडा में अपने पेशों पर अमल करना आसान हो जाएगा।
लेकिन ब्राउन ब्रैम्पटन ऑन्टेरियो के मौजूदा मेयर ने कहा कि पॉलिवर के पास किसी भी किस्म की पॉलिसी का ऐलान करने का कोई इख्तियार नहीं है जो ज्यादातर अकलियती बरादरियों जैसे कि इमिग्रेशन को मुतासर करती है, क्योंकि वो कभी भी अवामी तौर पर उन पॉलिसियों के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ जो गैर मुतनासिब तौर पर उन पर असरअंदाज हों। ब्राउन ने पॉलिवर पर शहरियत की तकरीबात में मुजवजा नकाब पर पाबंदी की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाया। नाकदीन का कहना था कि ये पॉलिसी पोजीशन तारिकीन वतन मुखालिफ वोटों को इकट्ठा करने की मजमूम कोशिश का हिस्सा है, जबकि हामियों का कहना है कि उनका मकसद सेकुलरिज्म और सिन्फी मसावात की कैनेडा की इकदार की हिफाजत करना है। पॉलिवर ने एक मीडिया बयान में ब्राउन पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उनका मुखालिफ वो है जो बहुत झूठ बोलता है। उन्होंने ब्राउन पर हार्पर हुकूमत पर अपने हमलों में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि पार्टी ने कभी भी नकाब पर पाबंदी की वकालत नहीं की बल्कि शहरियत की तकरीबात में नकाब पर पाबंदी की हिमायत की। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में माहिरीन सेहत की जानिब से इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि सूबे में कोरोना वायरस में एक बार फिर तेजी देखने में आ सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में माहिरीन सेहत की जानिब से इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि सूबे में कोरोना वायरस में एक बार फिर तेजी देखने में आ सकती है। माहिरीन की जानिब से यह बयान चीन में कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बाद किया गया है। माहिरीन का कहना है कि यह जानना मुश्किल है क्योंकि ओंटेरियो के पास इस बारे में कोई वाज़ह तस्वीर नहीं है कि कितने केसेस पहले से ही ओमिक्रॉन के हैं। अगर बहुत से लोगों को ओमिक्रॉन है तो मामलात मजीद खराब होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ओमिक्रॉन में इजाफा डेनमार्क उसे देख रहा है। चीन ये देख रहा है। ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि हमारा मुस्तकबिल हो, लेकिन ये जानना मुश्किल है क्योंकि सूरत हाल वाज़े नहीं। माहिरीन के मुताबिक अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद में कुछ इजाफा हो सकता है। बड़ा मसला ये है कि हम नहीं जानते कि आबादी में कितनी क़ुव्वत मुदाफ़त है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 21 मार्च को फौज हुकूमत की जानिब से मास्किंग के कवानीन में नरमी का फैसला ओमिक्रॉन के मामले में सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है। इस सूरत हाल का मतलब है कि वो लोग जो अब तक महफूज रहने में कामयाब रहे हैं, उन्हें महफूज रहने में मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ओमिक्रॉन को अपने मास्क उतारने के साथ जोड़ देते हैं तो आपके केसेस में नुमाया इजाफा होगा। वजारत सेहत ने कहा कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि BA.2 के नतायज ज्यादा संगीन होते हैं। अमेरिका ने चीन को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन पर हमले के मामले पर रूस की मदद ना करे, जबकि यूरोपीय यूनियन की सदारत करने वाले मुल्क फ्रांस ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए पैकेज की मंजूरी का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब ताइवान की रिजर्व फोर्स ने चीन की जानिब से हमले के पेश नज़र तरबियती मशकें शुरू कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीका ने चीन को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन पर हमले के मामले पर रूस की मदद ना करे, जबकि यूरोपीय यूनियन की सदारत करने वाले मुल्क फ्रांस ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के नए पैकेज की मंजूरी का ऐलान कर दिया। ताइवान के रिजर्व फोर्स ने चीन की जानिब से हमले के पेश नज़र तरबियती मशकें शुरू कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अपने बयान में फ्रांस ने कहा कि बैन अलावी शराकत दारों के साथ मशावरत के बाद पाबंदियों का फैसला किया जो आम शहरी और इदारों समेत रूसी मईशत के कई शोबे को मुतासिर करेगा। बयान में कहा गया है कि ब्लॉक ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को रूस के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क की शिक के इत्तलाक को मुअत्तल करने से मुतालिक एक ऐलामिये की भी मंजूरी दी है। यूरोपीय यूनियन के सदर का कहना है कि ब्लॉक पैनल अक्वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक समेत मारूफ कसीरुल जहती मालियाती इदारों में रूस की रुकनियत के हुकूक को मुअत्तल करने के लिए काम करेगा। वाज़ह है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से हालिया पाबंदियां रूस को यूक्रेन पर जंग रोकने के लिए है। अमरीका के मुशीर सलामती जैक सिल्वान ने बयान में कहा कि चीन से यूक्रेन के मामले पर अपनी तहफ़ुज़ात का इजहार बिलावास्ता और वाज़े अंदाज में कर दिया है। अमरीकी मुशीर सलामती का मजीद कहना था कि चीन को खबरदार कर दिया है कि कोई भी मुल्क पाबंदियों का सामना करने वाले रूस को बचा नहीं पाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका इस बात पर नज़र रखे हुए है कि चीन रूसी सदर प्यूटन को यूक्रेन के खिलाफ कितनी मदद फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि अमरीका का ये दावा कि रूस ने हमसे मदद मांगी है झूठा है। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि चीन ने यूक्रेन के मसले पर अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। रूस यूक्रेन जंग में चीन की तरफ से हमले के पेश नज़र पीर के रोज ताइवान के रिजर्व फोर्स के सैकड़ों फौजी अहलकारों ने तरबियती मशकें की। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 400 अहलकारों ने तरबियती मशक टारगेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया जो उनकी जंगी तैयारियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। ताइवान ने गुज़िश्ता साल चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव की वजह से अपने रिजर्व फोर्स के तरबियती निज़ाम को तेज कर दिया था।
भारतीय मिसाइल सिस्टम महफूज और काबिल भरोसा है, भारतीय वजीर दिफा का दावा। अमरीका का पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर जवाब देने से इनकार। चीन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात और मिसाइल गिरने की तहकीकात करें। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत का मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और काबिल भरोसा है। भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरने के वाक़े पर शर्मिंदा होने के बजाय भारत का हठधर्मी वाला रवैया बरकरार है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट में बयान देते हुए दावा किया कि भारत का मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और काबिल एतमाद है। राजनाथ सिंह का मजीद कहना था कि गलती से मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरने के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की जा रही है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर भी नज़रसानी की जा रही है। अमरीका ने पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर तबसरे से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने कहा कि भारतीय वजारत दिफा ने वाक़े को हादसा करार दिया है, लिहाजा इस मामले पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यकीनन फॉलो के लिए हम भारतीय वजारत दिफा से राबते का कहेंगे। तर्जुमान ने कहा कि 9 मार्च को जारी बयान में वाज़ेह किया कि हुआ क्या था, इससे ज्यादा हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने भारत में यूरेनियम चोरी और गिरफ्तारियों से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इस खास वाक़े से वाकिफ नहीं हूँ। मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जौहरी तहफ़ खसूसा जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक के दरमियान हमेशा बातचीत होती है जो जारी रहती है। रूस यूक्रेन के मामले पर नेट प्राइस का कहना था कि रूसी जौहरियत पर जनूबी एशिया में इत्तेहादियों से रबते में है। पाकिस्तान की हदूद में भारतीय मिसाइल गिरने के वाक़े पर चीन का रद्द अमल आ गया। चीनी वजारत खारजा की जानिब से बयान में दोनों ममालिक पर जल्द बातचीत और मुजाकरात करने पर जोर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना था कि पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने का वाकया इल्म में है, दोनों ममालिक को मामले पर बात करनी और जायजा लेना चाहिए। चीन ने कहा भारत और पाकिस्तान मुजाकरात और मिसाइल गिरने की तहकीकात करें और वाक़े से मुतालिक मालूमात को शेयर किया जाए, साथ ही रिपोर्टिंग तरीक़ाकार तय किया जाए ताकि ऐसा वाकया फिर न हो। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.